यूट्यूबर एल्विश यादव इस वक्त सोशल मीडिया से मीडिया तक सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बार उनका कोई नया कंटेंट नहीं बल्कि उन पर लगे गंभीर आरोप की वजह से वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक गैंग में शामिल लोगों ने बताया कि वो एल्विश यादव की रेप पार्टियों में भी सांपों के जहर की सप्लाई करते हैं। इसी के साथ आरोप है कि एल्विश यादव की रेप पार्टियों में विदेशी लड़कियां भी बुलाई जाती हैं। पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब पुलिस एल्विश यादव की तलाश कर रही है। इसी बीच एक मीडिया संस्थान एल्विश यादव के घर पहुंचा और उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। एल्विश के घर ताला लगा हुआ है। इससे पहले बीते शुक्रवार को उस घर में एल्विश के माता पिता मौजूद थे, लेकिन अब वहां कोई नहीं है, वहां ताला लगा हुआ है। पहुंचे हुए मीडिया ने एल्विश यादव के पड़ोसियों से भी बात की। एल्विश के घर में ताला लगा है, मगर एल्विश यादव के पड़ोसी और वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि एल्विश पर जो आरोप लगे हैं वो गलत हैं। एल्विश का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, उस पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। वहां रहने वाले लोगों का ये भी कहना है कि इस मामले की जांच की जानी चाहिए और एल्विश यादव पर लगे आरोपों का सच सामने जल्दी आना चाहिए। आगे जांच के लिए नोएडा पुलिस की 3 टीमें मुंबई, गुड़गांव और दिल्ली गई हुई हैं। मुंबई और गुड़गांव में एल्विश यादव के संभावित ठिकाने हैं। माना जा रहा है कि एल्विश से पूछताछ पुलिस जल्द शुरू कर सकती है। हाई प्रोफाइल केस होने के कारण पुलिस अधिकारी फिलहाल कुछ बोलने से बच रहे हैं। डीसीपी नोएडा राम बदन सिंह का कहना है कि जांच में सभी तथ्यों की पड़ताल करवाई जा रही है। पुलिस अपना होमवर्क पूरा कर रही है। आगे जो भी तथ्य निकल कर सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच खबर ये भी है कि यूट्यूबर एल्विश यादव को राजस्थान के कोटा में शनिवार की शाम उस वक्त पूछताछ के लिए रोका गया जब वो अपने दोस्तों के साथ कार में घूम रहे थे। हालांकि बाद में उन्हें जाने की इजाजत दे दी गई। पुलिस थाने के प्रभारी ने कहा कि नियमित जांच के दौरान एक कार को रोका गया जिसमें 3 या 4 लोग यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक ने अपनी पहचान एल्विश यादव के तौर पर बताई थी। दौराने चेकिंग एक पीबी नंबर गाड़ी आई थी, उसमें 3-4 जने सवार थे। इस संदर्भ में उनसे जब बातचीत की गई और उनकी चेकिंग की गई तो एक ने अपना नाम एल्विश यादव करके बताया था। एल्विश यादव को ये पता चला कि नोएडा में कोई प्रकरण दर्ज है। इस संदर्भ में हमने नोएडा में संबंधित थाने के डीसीपी साहब और एसीपी साहब से बातचीत करके और अभी वो वांटेड नहीं होने से उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण अभी इन्वेस्टिगेशन में है और उनको आवश्यकता नहीं होने से हमने इनको रिलीज कर दिया। उन्होंने कहा कि पता चला है कि उसके खिलाफ नोएडा में मामला दर्ज है, इसलिए नोएडा पुलिस से संपर्क किया गया। आगे पुलिस ने बताया कि नोएडा पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि मामले की जांच चल रही है। वो वांटेड नहीं है और मामले की जांच चल रही है, इसलिए उसे जाने की इजाजत दे दी गई।